हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एससी एसटी एक्ट में हाल ही में हुए संशोधन के विरोध में गुरुवार को जोधपुर शहर में बंद का आंशिक असर देखा गया। शहर के कुछ बाजारों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर बाजार खुले रहे। हालांकि बंद समर्थकों ने वाहनों पर घूमकर बाजार बंद करवाए, लेकिन वे बाजार कुछ देर बाद फिर खुल जाते। कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने जालोरी गेट चौराहा पर एससी एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर नया कानून बनाने के विरोध में स्वर्ण संगठनों ने गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद का असर जोधपुर में भी देखने को मिला। जोधपुर में आज कई बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध किया। जिले भर में विभिन्न संगठनों और समाजों ने इस बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान समता आंदोलन समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शामिल होकर व्यापारियों से बंद का समर्थन करने के साथ अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह भी किया। बंद को समता आंदोलन सहित कई स्वर्ण समाज के कई लोगों और संस्था संगठनों ने समर्थन किया था। बंद का ब्राह्मण, राजपूत, राजपुरोहित, सोनी जांगीर, सिंधी, मुस्लिम, घांची, माली, गुर्जर, चारण, जैन, अग्रवाल, महेश्वरी, रावड़ा, राजपूत, प्रजापत और विश्नोई समेत विभिन्न समाजों और करणी सेना के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। बंद के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी एसटी अत्याचार निवारण एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और अग्रिम जमानत से जुड़े कुछ बदलाव किए थे। अदालत का कहना था कि इस एक्ट का इस्तेमाल बेगुनाहों को डराने के लिए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस बंद का कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी किया था। इस दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई और 14 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद संशोधित कानून बनाने पर फिर भी विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग अन्य पिछड़ा जाति और सामान्य जाति के लोगों को फंसाने में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।